नमस्कार, जय हिंद मित्रों। मैं हूं आपका अपना भीम प्रजापति आपके अपने चैनल भीमा चित्रा पर। स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ज़बरदस्त टॉपिक। हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन हैं। सो मित्रों, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक ताकि आप ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों का लाभ उठा सकें। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी कई बार रिपीटेड हैं। सो मित्रों, इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए इन क्वेश्चनों को। संघर्ष आप करिए, सफलता हम दिलाएंगे। तो बिना संघर्ष के कुछ नहीं होता मित्रों, तो संघर्ष करना पड़ता है किसी लक्ष्य को पाने के लिए। फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपके सामने दिखाई दे रहा आपका पहला क्वेश्चन शुरू हो चुका है। हाइड स्पीच का युद्ध का समय क्या है? हाइड स्पीच का समय जो है मित्रों 326 ईसा पूर्व है। क्या है मित्रों? तो 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है किनके बीच हुआ था, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यह जो है युद्ध है सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी मित्रों? सिकंदर की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कलिंग की लड़ाई का समय क्या है? ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप देखकर खुद जान सकते हैं कि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिलहाल आते हैं वीडियो पर। कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी। यह जो है सम्राट अशोक और कलिंग पर आक्रमण हुआ था। इस युद्ध में रक्तपात को देखकर जो सम्राट अशोक थे उन्होंने युद्ध ना करने की कसम खाई थी कि हम अब युद्ध नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु की लड़ाई का समय क्या है? तो सिंधु की लड़ाई जो हुई थी 712 ईस्वी में हुई थी मित्रों। यह जो है मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित करने के लिए किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध यह 1191 ईस्वी को हुआ था और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध, तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। किसकी हुई थी मित्रों? मोहम्मद गौरी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदावर का युद्ध का समय क्या है? तो चंदावर का युद्ध जो है 1194 ईस्वी को हुआ था और ये मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयसंद के मध्य में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पानीपत का युद्ध बहुत ही फेमस है सुमित्रों, ये कई बार रिपीट हो चुका है। ये 1526 ईस्वी में हुआ था और बहुत ही महान शासकों के मध्य हुआ था। वो महान शासक कौन थे? मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध, तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी को हुआ था और इसमें बाबर और महाराणा सांगा के मध्य में हुआ था। तो जो राणा सांगा थे वो पराजित हुए थे, यानी कि बाबर ने इस युद्ध को जीता था। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। ये जो है बाबर और महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया गया था। किसको? अफगानों को हराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा का युद्ध, तो चौसा का युद्ध मित्रों 1539 ईस्वी को हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो ये शेरशाह सूरी और हिमाओं के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 ईस्वी में लड़ा गया था और ये अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध, जो तालीकोटा का युद्ध है मित्रों ये 1565 ईस्वी में लड़ा गया था और इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। किस नगर का? विजयनगर साम्राज्य का, जिसको हरिहर और बुक्का नाम के दो नागरिकों ने बसाया था यानी बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हल्दी घाटी का युद्ध, तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था और ये किसके बीच हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इसमें राणा प्रताप जी की हार हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
प्लासी का युद्ध का समय क्या है? तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में है। ये किनके किनके बीच हुआ था, यानी कि किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों की विजय हुई थी और भारत में अंग्रेज शासन की नींव पड़ी, यानी कि उसी समय से अंग्रेज़ यहाँ पर अपना सत्ता जमा लिए या अधिकार कर लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बांडीवास का युद्ध का समय क्या है? तो बांडीवास का युद्ध जो है मित्रों, ये 1760 ईस्वी में हुआ था अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध, तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध का समय क्या है? तो 1764 ईस्वी है बक्सर के समय का युद्ध। तो इनमें अंग्रेज़ों और सिजादुद्दौला और मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मैसूर युद्ध का समय क्या है? तो 1767 से 1769 ईस्वी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था और जिसमें अंग्रेज़ों की हार हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्वितीय मैसूर युद्ध का समय क्या है? तो 1780 से 1784 ईस्वी के बीच, यानी कि 4 साल तक ये युद्ध चला था, जिसमें हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था और ये युद्ध अनिर्णित रहा, यानी कि ये युद्ध पूरा नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1790 ईस्वी में लड़ा गया था टीपू सुल्तान जो हैदर अली का बेटा था उसके बीच और अंग्रेज़ों के बीच लड़ी गई थी, लेकिन यह युद्ध जो है संधि के माध्यम से समाप्त हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, चतुर आंग्ल मैसूर युद्ध का समय क्या है? 1799 में लड़ा गया था टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी और मैसूर शक्ति का पतन यानी कि विनाश हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चिलियान वाला युद्ध कब हुआ था? तो 1849 ईस्वी को हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत चीन सीमा युद्ध कब हुआ था? तो 1962 ईस्वी में हुआ था और चीन सेना द्वारा भारत की सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण हुआ था। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा हुई, भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्से छोड़ना पड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत पाक युद्ध का समय क्या है मित्रों? तो भारत पाक यानी कि पाकिस्तान जो है 1971 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के मध्य में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कारगिल युद्ध का समय क्या है? तो 1999 ईस्वी में, और ये किनके किनके बीच हुआ था? तो जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों को जीत मिली। मित्रों किनको जीत मिली? भारतीयों को जीत मिली। तो इस प्रकार हमारा वीडियो यहीं पे संपन्न होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगती है अपनी राय ज़रूर दें मित्रों। हम जितने भी क्वेश्चन लेकर आते हैं सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन होते हैं। मित्रों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी मित्रों का दिन शुभ हो। आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे लेटेस्ट वीडियो को प्राप्त करने के लिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।